गुड मॉर्निंग सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ग्रामर ओके लेट्स स्टार्ट स्मोकिंग एंड टोबैको टेल आर हेल्थ तो क्या आएगा यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे लगाएंगे हम टेलीफोन जब हम टेलीफोन लगाते हैं यू नो तो टेलीफोन का मीनिंग होता है फ्रेज़ का टू हैव एन इफेक्ट एक इफेक्ट रखना ऑन समवन किसी पे या किसी चीज पे यूजुअली इन ए निगेटिव वे एक निगेटिव वे में अब स्मोकिंग और टोबैको का यूज़ कैसा होता है हमारी हेल्थ पे निगेटिव भी पड़ता है ना तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे टेलीफोन लगाएंगे ओके ओके नेक्स्ट सीखते हैं एट द लास्ट मोमेंट द कैंडिडेट ऑप्टेड आउट ऑफ इलेक्शन ऑप्टेड आउट मतलब लास्ट मोमेंट पे कैंडिडेट ने क्या किया बाहर आ, मतलब वो बाहर निकल गया ओके बाहर जाने का विकल्प होता है ना वो ऑप्टेड आउट उस सेंस में यूज करते हैं तो अब आपने एक वर्ड सुना होगा विदड्रॉ जब आप बैंक गए होंगे आपको पता होगा विदड्रॉ होता है चेक में ओके तो आप लगा सकते हो सेंस अगर आपको नहीं भी पता तो भी लगा सकते हो यहाँ पे क्या आना है विदड्रो आना है बट ये सेकेंड फॉर्म है तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर हो गया आप इसको ऐसे करो मैं इसके सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लिख देती हूँ विद ड्रॉ ओके जस्ट अ सेकेंड ये हो गई हमारी फ्रेज क्या होता है पुटअप का मतलब पुटअप का मतलब होता है रिजाइड करना रहना जाके तो वो क्या करेगा रहेगा ना हे विल पुटअप इन द होटल इन द कामिंग वीक आने वाले वीक में वो होटल में रहेगा ही विल पुट अप ओके द एक्यूज वॉज ऑर्डर्ड टू बी हैंग टू डेथ यू नो जब हम फांसी पे लटकाते हैं तो उसकी सेकेंड फॉर्म हैंग्ड होती है और उसको लटा लटकाया जाएगा कब तक टिल डेथ तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी तो एक्यूज को ऑर्डर दिया गया मतलब तो दोषी को के लिए आदेश दिया गया कि उसको लटकाया जाए टू बी हैंग्ड टिल डेथ जब तक वो मरना जाए मरने तक मैनी पीपल वर कैरिड क्या हुआ था कोविड नाइन्टीन के टाइम पे बहुत सारे लोग क्या हो गए थे मर गए थे टू डाई तो मैनी पीपल वर कैरिड अवे बाई कोविड नाइन्टीन ओके द क्यून वॉज हाईली वेन क्यून क्या थी बहुत ज़्यादा घमंडी थी किसकी ओफर ब्यूटी अपनी सुंदरता की ओके नेक्स्ट द चेयरमैन बींग एब्सेंट द मीटिंग वॉज पुट ऑफ साइनड आई क्या होता है सैनिडाई का मतलब जो कोर्ट कचहरी होते है ना इसमें यूज़ होता है इस वर्ड का काफ़ी तो चेयरमैन के एबसेंट होने की वजह से मीटिंग को क्या किया पुट ऑफ मतलब उसको टाल दिया सैनेडाई होता है मतलब अनिश्चित काल के लिए मतलब विदाउट अरेंजिंग ए फ्यूचर डेट ऑफ समथिंग बिना अरेंज किए मतलब नेक्स्ट डेट नहीं बताई और तब तक के लिए टाल दिया जैसे जस्ट अ सेकेंड जैसे हमारा एग्जाम भी क्या है सैनडाई है मतलब पता नहीं है कब होगा अनिश्चित काल के लिए टला हुआ है ओके ओके, एप्पल्स आर नॉट बींग बताओ क्या होता है कॉरपोरियल और कॉरपोरल एक तो होता है कॉरपोरियल क्या मतलब क्या होता है इसका मतलब फिजिकल अपीयरेंस ओके तो हमारा आंसर तो यही है कि एप्पल्स कैसे नहीं थे देख के लेते हैं ना हम वगैरह कोई चीज़ फ्रूट्स वगैरह खाने की तो वो कॉरपोरियल बींग नहीं थे ओके okay? मतलब नहीं है और कॉरपोरल क्या होता है कॉरपोरल होता है पनिशमेंट जो कि अब अलाउ नहीं है फिजिकल पनिशमेंट किसी को बच्चों को मारना ओके okay? अलाउ नहीं है ना स्कूल वगैरह में भी ओके ही हैंडल द बोट सो मास्टरफुल्ली दैट वी रियलाइज ही हैड बीन ट्रेन इन यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया टाइपिंग एरर है यहाँ पे आना चाहिए इन इट तो उसने बोट को इतने अच्छे से हैंडल किया सो मास्टरफुल्ली यू नो मास्टरफुल्ली जैसा कोई वर्ड पता नहीं होता भी है नहीं यहाँ पे आना चाहिए मास्टरली ओके जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे आपको मास्टर फुल्ली ना लगा के ये गलत है आपको क्या फिल करना है यहाँ पे क्या लिखना है इसको रिप्लेस करके मास्टरली करना है ही हैंडल द बोट सो मास्टरली दैट वी रियलाइज ही हैड बिन ट्रेन इन इट कॉन्शियसली उसको जो है ट्रेन किया गया है कॉन्शियसली ओके नेक्स्ट देखते हैं दिस इज रियली फॉर्चुनेट दैट ही हैज़ परफॉर्म नाइसली आफ्टर ए नंबर ऑफ इनिशियल फेलियर्स अब बताना है इसमें एरर बताओ क्या होगा यार इसमें एक बहुत ही फॉर्चुनेट मतलब भाग्य की बात है कि उसने परफॉर्म किया नाइसली अच्छे से आफ्टर ए नंबर ऑफ़ इनिशियल फेलियर बहुत सारी उसकी जो शुरू में फेलियर्स होंगे उसके बाद उसने अच्छे से परफॉर्म किया तो यहाँ पे रियल लगा के क्या लगाना चाहिए यहाँ पे आपको क्या लगता है यहाँ पे लगाना चाहिए रियली दिस इज़ रियली फॉर्चुनेट यू नो जैसे हम बोलते हैं ना दिस इज़ रियली गुड तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे रियल को रिप्लेस करके रियली लगाएंगे ओके ओके, इंडिया हैज़ इमर्ज एज ए पावरफुल कंट्री ओनली इट वैन मेड न्यूक्लियर टेस्ट एयर ईयर एगो जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ ना एक साल पहले तो इंडिया क्या उभर के आया एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर के आया तो ओनली इट वैन सही लग रहा है आपको स्ट्रक्चर मुझे तो गलत लग रहा है क्या होना चाहिए यहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए था यहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए था ओनली वैन केवल जब कब वैन इट मेड अब लगा होगा आपको ठीक इट मेड न्यूक्लियर टेस्ट जब उसने न्यूक्लियर टेस्ट क्या किया एयर एगो एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया ना तो तब वो एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा ओके okay. जगन रिप्लाइड माई लेटर क्यूक्ली बट ही डिड नॉट पॉइंट आउट वेदर ही वॉज कमिंग दैट मंथ जगन ने मेरे लेटर का रिप्लाई क्यूकली दिया सुन दिया हर चीज़ का सेंस होता है ना ओके okay. कहीं पे मेक लगाते हैं कहीं पे क्या लगाते हैं आपने देखा होगा बनाने की कहीं पे मेक लगाते हैं कहीं पे कमेट लगाते हैं नो कहीं पे डू लगाते हैं तो एक सेंस होता है तो जगन ने मेरे लेटर का उत्तर दिया सोन जल्दी ही बट ही डिड नॉट पॉइंट आउट वेदर ही वॉज कमिंग दैट मंथ ओके ओके द कार वाज़ रनिंग कार कितने में दौड़ रही थी बताओ आप कितने में दौड़ रही थी एट फोर्टी किलोमीटर एट लगाएंगे फ्रूट्स फ्लाई आर टाइनी इंसेक्ट वो जो फ्रूट्स फ्लाई है ना मखियाँ जो फलों पर बैठती हैं वो बहुत ही छोटे से इंसेक्ट हैं दैट टू राइप और रोटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अब बताओ इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं या इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे ना जो तो वहाँ पे क्या लगाएंगे यहाँ पे लगा देंगे आर अट्रैक्टेड आप कंफ्यूज ना हो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसको देख के मन में आ सकता है कि आप ऐसे लगा दो आर अट्रैक्टिंग तो इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं कर रहे अट्रैक्ट कौन कर रहा है रोटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओके ये अट्रैक्ट कर रहा है ओके तो ये जो है इंसेक्ट अट्रैक्ट हुए हैं तो इसलिए बनाया हमने इंसेक्ट दैट आर अट्रैक्टेड ओके आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया ओके हिट टिप्ड ऑफ द पुलिस अबाउट द रोबरी क्या होता है टिप डॉफ का मतलब होता है शेयर द इन्फॉर्मेशन तो उसने क्या किया इंफॉर्मेशन को शेयर किया पुलिस से किसके बारे में अबाउट द रोबरी रोबरी लूट के बारे में मैंने आइसक्रीम टू कम विद मी जब मैंने उससे कहा ना आने के लिए टू द ग्रेव यार्ड इन द नाइट रात में ओके रात में उसने ग्रेव यार्ड बुलाया तो वो क्या हो गया चिकन आउट हो गया मतलब डर गया ना चिकन आउट उसी सेंस में यूज करते हैं कि कोई काम करने से मतलब टू डिसाइड नोट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर अफ्रेड क्योंकि तुम डरे हुए हो तो उसने क्या किया विदड्रॉ कर दिया मना कर दिया मैं नहीं जा रहा मैं भी नहीं जाती आप भी नहीं जाते रात में कौन जा रहा है गए ओके ओके रिलेटेड टू कैटल कैटल से रिलेटेड क्या होता है ये आता है टीजीटी वगैरह में आपने देखा होगा तो क्या होता है बोवाइन ओके जस्ट अ सेकेंड बोवाइन होता है और फिस् किस रिलेटेड होता है फिस से मछली से ओके okay? बलपाइन किससे रिलेटेड होता है फोक से ओवाइन किससे रिलेटेड होता है सीप से ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं अब हमें एरर फाइंड आउट करना है बताओ आप क्या एरर है यहाँ पे और ये एरर क्या फ़ाइंड आउट करना है ये तो मैंने हाईलाइट कर रखा है चलो कोई नहीं बट क्यों आया है आप ये बताओ ये गोज आया क्यों है आप मुझे इसका आंसर दो ये एरर क्यों है यहाँ पे यहाँ यहाँ पे ये यह एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं एक तो ओल्ड मिस्टर शर्मा ओल्ड मिसेस शर्मा है और उनका मीक लिटिल हस्बैंड है तो दो लोग हैं ना तो गोच क्यों लगाएंगे दो लोगों के लिए क्या लगाएंगे प्लूरल है ना गो लगाएंगे दे आर गो ओल्ड मिस्टर शर्मा एंड आर मीक लिटिल हस्बैंड ओके ओके विल यू हेल्प मी वॉश अवे आफ्टर द मील भोजन के बाद विल यू हेल्प मी वॉशअप है ना भोजन के बाद मतलब तुम मेरी मदद करोगे वॉशअप धुलने में ओके तो यहाँ पे वॉशरप लगाएंगे इसको रिप्लेस कर देंगे ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं द क्लीनर द थ्रेस कैंस फॉर रीयूज क्लीनर ने क्या किया स्कंच, मतलब क्लीनर ने ना घिसा उनको जो बेकार कैन थी ना किसके लिए फॉर रीयूज़ ताकि उन्हें दोबारा से क्या कह सके प्रयोग किया जा सके तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्कंच, और जो ये सेकंड वर्ड है स्क्रंच क्या मतलब होता है इसका इसका मतलब होता है कुचलना तो कुचलेंगे तो नहीं ना तो उसने क्या किया स्कंज किया क्लीनर ने साफ़ करने वाले ने ओके सी वॉज़ गिवन हर शेयर एज आफ्टर हर हस्बैंड डाइड। ओके एक तो होता है डोरी सबको पता है दहेज जो क्या होता है शादी से पहले लेते हैं ओके okay? शादी करने के लिए ओके okay? और एक होता है डावर क्या होता है इसका मतलब एक विधवा का शेयर होता है मतलब विडो का जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है ना बटो को तो तब हम यूज़ करते हैं डॉर ओके okay? तो हमारा आंसर तो यहाँ पे क्या है हमारा आंसर ये थोड़ी है हमारा आंसर क्या है डॉवर है ओके तो सी है वाजगीवन हर शेयर उसको उसका शेयर दिया गया एज डॉर आफ्टर हर हस्बैंड डाइट उसके हस्बैंड के मरने के बाद एक पर्सन हु इज़ यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है क्या, यहाँ पे क्या करना है ए पर्सन हु इज स्लो टू अडेप्ट टू ए न्यू वे ऑफ लाइफ अब हमें ऐसे हमें इसमें ये वाला मीनिंग बताना है ऐसे व्यक्ति का बताना है जो क्या होता है स्लो होता है अडोप्ट करने में एक जीवन जीने का नया तरीका ओके okay? तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इंट्रैक्टेबल ओके तो ए पर्सन हुईज़ इंट्रैक्टेबल यहाँ पे कर देंगे इज ए इज ए स्लो टू अडेप्ट टू ए न्यू वे ऑफ लाइफ ओके तो हमारा आंसर हो जाएगा इंट्रक्टेबल फिर इसका तो आपको पता ही है क्रोध को बोलते हैं anger को इंसोलेंट मतलब लैकिंग रेस्पेक्ट कंस्ट्रक्टिव निर्माण होता है ना तो क्या हो गया फिर हमारा आंसर इंट्रकटेबल हो गया ठीक है she रेन आउट ऑफ आर हाउस अपने घर से भाग गई इन फ्राइट डर से भाग गई इसको रिप्लेस कर दो डर से भाग गई वो घर से अपने द रूट बिटवीन द टू सिटीज हैज़ ऑलवेज बी नॉन टू विंड इट्स वे थ्रो स्टीप माउंटेन पासिस एंड कोर्स टरन अब बताओ टर्न <coughs> मतलब लैंड तो जो कोर्स लैंड थी ना मतलब कोर्स खुदरी मोटी भद्दी उसको बोलते हैं जो रूट है दो सिटीज़ के बीच में हैज़ ऑलवेज बीन नॉन टू विंड वो हमेशा क्या रहा नॉन रहा हवा के लिए इट्स अब बताओ कैसा आ, वे होगा एक वे एक बोलते हैं टोर्चर्स क्या होता है टोर्चर्स जस्ट अ सेकेंड टोर्चर्स का मतलब होता है घुमावदार अब घुमावदार ही होगा ना इतना लंबा सेंटेंस का घुमावदार के लिए यूज़ होगा द रूट बिटवीन द टू सिटीज़ दो शहरों के बीच में जो रूट है हैज़ ऑलवेज बीन नोन टू विंड इट्स टोर्चर्स वे थ्रो स्टीप माउंटेन घुमावदार के सेंस में यूज करते हैं ओके ओके ही डिक्लाइन ऑल All द allegation, एलिगेशन किसका बोलते हैं जो आरोप लगे थे ना उस पर अगेंस्ट हिम उसके अगेंस्ट उसने सबके लिए क्या कर दिया डिक्लाइन कर दिया डिक्लाइन uh, यूज़ करते हैं हम मना करने के सेंस में डिनाई करने के सेंस में बट यहाँ पे रिफ्यूटेड <coughs> लगाएंगे रिफ्यूटेड में क्या होता है खंडन करना उसने ना रिफ्यूट कर दिया खंडन कर दिया जो भी उस पर आरोप लगाए थे आरोप प्रत्यारोप उसने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था ओके लोकल बिजनेस मैन जनरली क्या करते हैं अब हमारे यहाँ के जो लोकल बिज़नस मैन हैं छोटे छोटे जिनके स्टॉल लगे होते हैं जब कोई बाहर से फ़ोरन आता है ना तो क्या करते हैं चालीस रुपये की चीज़ को चार सौ की बताते हैं ठीक है थीके? तो वो क्या कर रहे हैं बताओ आप वो उनको लूट रहे हैं ना तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? रिप ऑफ ओके तो लोकल बिजनस जनरली क्या करते हैं रिप ऑफ द फॉरन टूरिस्ट उनको टूरिस्ट को क्या करते हैं लूटते हैं इट गिप्स हाँ ये सेंटेंस बताती हूँ मैं आपको इट गिप्स पेन अब हम ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं टू मच में और मच टू में कि टू मच कहाँ लगाएं और मच टू कहाँ लगाएं. तो टू मच तो लगता है नाउन से पहले अब आप मुझे बताओ पेन क्या है यहाँ पे पेन है यहाँ पे नाउन ओबियसली नाउन है तो नाउन से पहले क्या लगाएंगे यहाँ पे हमारा क्या जाएगा answer? हमारा आ जाएगा आंसर हमारा टू मच आ जाएगा ठीक है और एडजेक्टिव से पहले मच टू लगाते हैं ओके okay? जस्ट अ सेकेंड मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रही आप कन्फ्यूज हो जाओगे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए है मच टू लगाते हैं एडक्टिव से पहले जैसे मैं पेन का एडक्टिव बनाती हूँ आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ इट जस्ट अ सेकेंड इट इज मच मैंने आपको ये मच टू का यूज बता रही हूँ एक सेकेंड मच ट्रू पेनफुल अब मैंने पेन का क्या बना दिया नाउन का एडजेक्टिव बनाया ना तो एडजेक्टिव से पहले क्या लगाएंगे समझ गए आप मेरा पॉइंट एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे मस्ट टू और नाउन से पहले क्या लगाएंगे टू मच ओके और आइडेंटिफाई करना तो आपको पता ही होगा नाउन क्या है एडजेक्टिव क्या है तो सीखना ही पड़ेगा आपको डिस्पाइट हिज फादर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ही वॉज ऑलवेज हार्ड ऑन हार्ड ऑन हार्ड ऑन लगा के क्या लगाएंगे हार्ड अप लगाएंगे हार्ड अप क्या होता है हार्डअप का मतलब जैसे आउट ऑफ पॉकेट मतलब शॉर्ट ऑफ मनी उसके फादर की फाइनेंशियल कमी की वजह से ही वाज ऑलवेज क्या रहा है वो हमेशा मतलब शॉर्ट ऑफ मनी रहा है हार्ड अप इसको रिप्लेस करके हार्ड अप लगाएंगे द फोकस ऑफ आर वर्क इज़ हाउ वी कैन सेटिस्फाई कस्टमर मोस्ट इफेक्टिवली तो हमारा फोकस जो है काम का क्या है जब मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में भी कि जब हम क्या का आंसर देते हैं तो हम उसको नॉन क्लोज बनाते हैं ठीक है हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉन क्लोज ओके जो हमारे काम का फोकस है इज़ हाउ वी कैन सेटिसफाई आर कस्टमर कि हम कैसे अपने कस्टमर को इफेक्टिवली सेटिस्फाई कर सकते हैं ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं शट द विंडो इट इज़ फेयरली कोल्ड ओके दो वर्ड होते हैं एक तो फेयरली और एक रेदर फेयरली यूज़ करते हैं हम पॉजिटिव सेंस में रेदर यूज़ करते हैं थोड़ा नेगेटिव सेंस में तो विंडो बंद करने के लिए कहा है और फेयरली कोल्ड है तो फेयरली कोल्ड कैसे हो गया जब विंडो बंद करने के लिए कहा है तो कोल्ड तो उसको परेशान कर रहा है ना तो यहाँ पे क्या जाएगा थोड़ा नेगेटिव सेंस में हो गया है तो यहाँ पर रैदर लगाएंगे इसको रिप्लेस कर देंगे फेयरली को ओके यहाँ पर रैदर लगाएंगे ओके थैंक यू